क्लब का गठन नहीं है और तमाम पत्रकार अब एक मंच पर आ गए हैं। 15 दिसंबर को यहाँ चुनाव होंगे, उसके लिए 3 सदस्य समिति का गठन किया गया है। उसमें मेरे अलावा वरिष्ठ पत्रकार तपन सुशील जी, वरिष्ठ पत्रकार शकील अनवर जी शामिल किए गए हैं। यह समिति जो है चुनाव संचालन के लिए कार्यक्रम घोषित करेगी, उसके अनुसार 15 दिसंबर को चुनाव होंगे। 5 पदों पर ही चुनाव होगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव एवं कोषाध्यक्ष। तो बिल्कुल इससे निश्चित आप देखिए, अभी हालांकि बाहरी क्षेत्र के पत्रकार इच्छुक हैं, शामिल नहीं किए गए हैं। जो चयनित बॉडी होगी वो आगे इस पर निर्णय लेगी और जोड़ेंगे भी, जहाँ तक मुझे आशा है चयनित जो बॉडी होगी वैसा कुछ करेगी। तो पत्रकारों की एकजुटता और जो है एक संगठन, एक शक्ति यहाँ जरूर इससे खड़ी होगी। इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है कि बैठक की गई है हमारे पत्रकार संगठन को बनाने के लिए, और ये उम्मीद की जा रही है कि एक चयनित बॉडी दी जाए यहाँ पर पूरे पत्रकार रुड़की के समाज को, जो पहले कभी नहीं था। और इसी के माध्यम से जो हम पत्रकारिता के क्षेत्र में संघर्ष करेंगे और सभी पत्रकार साथियों को अपने साथ लाने की एकजुटता के लिए कार्य करेंगे। कितने लोग? 5 पदों पे चुनाव होगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, सचिव और महासचिव, और इसके बाद में 5 आगे की जो कमेटी होगी, 6 की वो उसमें होगी, 11 कमेटी का पूरा होगा ये इस तरह से। और सदस्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो आगे उन्हें समायोजित किया जाएगा इसी तरह से। अभी तक कोई ऐसा निर्वाचित संगठन था नहीं हमारे रुड़की का, तो कई वरिष्ठ लोगों ने बैठ के तय किया कि चुनाव कराया जाए। तो पहले पूरी प्रक्रिया चल रही है, अभी तक आज लास्ट ये फाइनल हुआ कि 3 सदस्यीय एक समिति बनाई गई है जो चुनाव संपन्न कराएगी। 15 तारीख को चुनाव होगा और ये सर्वसम्मति से पूरा कार्यक्रम घोषित किया गया है, और आशा यह है कि इसमें नगर के तमाम पत्रकार एकजुट होंगे और जो समस्याएं हमारे सामने हैं वो जो बॉडी चुन के आएगी वो इसका निदान कराएगी।